हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 31st of May 2020। तो 31 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और दोज वांट टू जॉइन आर करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक टेम्स लाइक टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इनमें से कौन निकालता है? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूनिसेफ, सी इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या डी यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो इनमें से कौन निकालता है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी डी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट निकालता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज नॉट रिच वेस्टर्न नेशंस आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिफ्यूजी क्राइसिस। दिस इज वॉट वॉज गिवन इन द रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एंड इसका नाम था ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा कह रहा है इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो पहले अपन ऑप्शंस देखने से पहले एक एक करके मैं आपको स्टेटमेंट्स बता देता हूँ कौन सा सही कौन सा गलत। पहला कह रहा है इट इज एन स्टेट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। FSDC जो है आपको 2010 में बना था, लेकिन एक ऑर्डर से बना था, ना कि कोई स्टेट्यूटरी बॉडी कोई स्टेट्यूट से नहीं बना था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डील्स विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा कह रहा है इट इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर्स को चेयर करता है। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल दो सही है। ऑप्शन देख लेते हैं नाउ, ऑप्शन आर टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री एंड डी नन। तो मैंने पहले बता दिया कि इसका आंसर होगा टू ओनली, यानी कि ए विल बी द आंसर। लेट्स सी, ए विल बी द आंसर। ओके, तो यस, ए इज द आंसर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से बना था, ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है। 2010 में ये बनी थी, और ये बनी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, नेवार कम्युनिटी समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली इनहेबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से किस कंट्री में रहते हैं नेवार कम्युनिटी के लोग? तो ऑप्शन आर ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। नेवार कम्युनिटी, पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए नेपाल। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए नेपाल विल बी द आंसर फॉर दिस। ओके, सो दिस वॉज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसके आंसर आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दीज वर द थ्री क्वेश्चन, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड सो नाउ वी कैन मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट, जो कि पहले हम वो न्यूज़ देख लेते हैं जो इस हिंदू के न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं, बाकी के न्यूज़पेपर्स में थी, इंपॉर्टेंट थी। और तो पहली न्यूज़ है KFON प्रोजेक्ट। तो KFON प्रोजेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोग्राम। ओके, तो केरला का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय December 2020, ऐसा केरला ने कहा है। ओके, केरला की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दैट दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस KFON, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2020, December 2020। इसमें क्या होगा, बेसिकली दे आर एमिंग टू लिंक ऑल द हाउसेज एंड ऑफिसेज इन द स्टेट विद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। जितने भी घर हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, दे विल बी कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसको जो इंप्लीमेंट करेगा वो स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करेगा और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों मिलकर करेंगे। मतलब कि ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट रहेगा, KFON प्रोजेक्ट पूरा स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट रहेगा। अगली चीज जो प्रोजेक्ट रहेगा, इट विल प्रोवाइड नेट कनेक्टिविटी टू ऑल द फैमिलीज इवन टू दोज हु डू नॉट फॉल अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन और एट अफोर्डेबल रेट्स। तो ये उनको भी नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आते हैं उनको भी अफोर्डेबल रेट्स में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। अगली जो न्यूज है वो है आज May 31 के रिगार्डिंग, इट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। इट्स वर्ल्ड नो टोबैको डे, थीम जो है इस बार की वह प्रोटेक्टिंग यूथ। द थीम इज प्रोटेक्टिंग यूथ, और एक डेटा आया था दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था 17% ऑफ द यंग पीपल इन द एज ऑफ 15 to 24 आर स्मोकिंग नाउ। तो 15 से 24 साल की एज ग्रुप में 17% ऐसे यूथ बिलोंग करते हैं जो कि स्मोकिंग एंड ऑल
दे डू दैट थिंग. ओके, तो मे 31 इज वर्ल्ड नो टोबैको डे. थीम इज प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ दिस. तो प्रोटेक्टिंग यूथ विल बी द थीम. तीसरा जो न्यूज़ है वो है फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट. तो नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट आपको सबको पता है कि जो इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ये नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट क्या करता है कि जिनको जॉब चाहिए, यानी कि जॉब सीकर्स जो जॉब सीक करते हैं एंड जॉब गिवर्स जॉब जो देते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है. नेशनल कैरियर सर्विस में अगर आप जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी जगहों के नाम पता चलेंगे जहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट है या किसी नॉर्मल वर्क की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ आपको पता चलता है. ठीक है ना, तो नेशनल कैरियर सर्विस इज बेसिकली अ मिडिलमैन टाइप ऑफ थिंग कहना चाहिए, जो कि आपको जॉब सीकर को जॉब गिवर से मिलाता है. ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग. अब फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है. ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप में ये किया जाएगा. ठीक है ना, मिनिस्ट्री याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो है नेशनल गार्ड के रिगार्डिंग. व्हाट इज दिस नेशनल गार्ड? तो यूएसए में नेशनल गार्ड को बुलाया गया था. तो नेशनल गार्ड क्या होते हैं, व्हाट इज दिस? तो अभी वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, आगे हम न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी करेंगे, जिसके कारण बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने उतर आए थे. ठीक है ना, है ना, तो इस कारण से वहाँ पे नेशनल गार्ड को लाया गया. नाउ व्हाट इज़ दिस नेशनल गार्ड? कंप्राइजिंग ऑफ, इसमें दो ब्रांचेज होती हैं, आर्मी नेशनल गार्ड होती है और एयर नेशनल गार्ड होता है. आर्मी नेशनल गार्ड एंड एयर नेशनल गार्ड दो पार्ट होते हैं. बेसिकली दे आर अ रिजर्व कंपोनेंट ऑफ द यूएस आर्मी एंड दे प्रोवाइड ट्रेंड यूनिट्स टू द स्टेट टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हो ऐसा अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के टाइम पे, जैसे कि अभी हुआ वहाँ पे प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगी, तो ऐसे टाइम पे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में वहाँ पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं, रिजर्व आर्मी टाइप की होती है, इनको क्यों उतारा जाता है, इनको नेशनल गार्ड कहा जाता है. नेशनल गार्ड जो बने थे वो 1636 से शुरू हुए थे, 1636 में वहाँ बनना शुरू हुआ था. दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. दिस फोर्स सपोर्ट द कॉम्बैट मिशंस, डोमेस्टिक एमरजेंसीज, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड होमलैंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस अमंग अदर्स. तो क्या क्या करता है ये, कॉम्बैट मिशंस को वो करता है, हैंडल करता है, देन डोमेस्टिक इमरजेंसीज को हैंडल करता है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को हैंडल करता है, और होमलैंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस को भी हैंडल करने का काम करता है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रॉम अदर न्यूज़पेपर्स. नाउ वी कैन मूव टू आर हिंदू एनालिसिस पार्ट ओनली. तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. संडे का दिन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई थी, तो एक एक करके हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. गोवा इज प्लानिंग टू ब्रिंग बैक अप्रूव्ड ट्रेवल पास सिस्टम. हुआ क्या है, बेसिकली ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है. गोवा में क्या चल रहा है कि इस समय जो क्राइसिस कोविड-19 की क्राइसिस है, वहाँ पे गोवा में इन्फ्लक्स लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो अब क्या है, आप सबको पता है कि ई पास सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि आप ई पास के लिए अप्लाई करेंगे और आपको एक दो घंटे के अंदर ई पास मिल जाता है. उस कारण से गोवा में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लक्स हुआ है. नाउ वॉट दे आर डूइंग इज दैट, उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसे सिस्टम की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे कि हमको एक एक करके अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी लोगों को, तभी आपको जाने दिया जाएगा या आने दिया जाएगा गोवा के अंदर. ठीक है ना, मतलब ई पास सिस्टम के थ्रू आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे किसी ऑफिसर से मतलब इस तरीके से मैन टू मैन आपको लेना पड़ेगा. ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच वॉज देयर इन दिस आर्टिकल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. पीएम केयर्स नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट. दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम पीएमओ. ओके, अभी रिसेंटली एक आरटीआई फाइल की गई थी रिगार्डिंग द पीएम केयर्स, जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस है. पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस. ओके, अब इसके बारे में आरटीआई फाइल किया गया था, तो इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी. दिस इज वॉट द रिप्लाई ऑफ द आरटीआई सेज. आरटीआई के एप्लीकेंट ने जो किया था उस आरटीआई एप्लीकेंट को यह बताया गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आरटीआई जो है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर अप्लीकेबल है. तो आरटीआई एक्ट 2005 कहता है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी रहेगी उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन की वर्किंग फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी. बट अभी जो पीएमओ से आरटीआई का रिस्पॉन्स आया वो ये आया है कि इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005. इस कारण से पीएम केयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. बाकी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी वेबसाइट में दी जा चुकी है, वहां से आप पता कर सकते हैं. बट इसकी फंक्शनिंग वर्किंग इनके आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. ठीक है ना, पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2H. जो सेक्शन 2H है वो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताता है. आरटीआई एक्ट का सेक्शन 2H जो है वो आपको पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताता है. तो पीएम केयर्स ऐसा पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जो सेक्शन 2H के अंतर्गत आए, ऐसा इस आरटीआई का रिस्पॉन्स आया. ठीक है ना,
तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना चाहिए, क्यों ऐसा है कि जो पूरा का पूरा फंड है, जो पब्लिकली फंडेड फंड है, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे। सो व्हाट इज़ द मोटो बिहाइंड नॉट प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, जब वो लोगों द्वारा ही कलेक्टेड है ना, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही। सो दिस इज़ वेरी अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस एंड ये बहुत ज़्यादा गलत है कि नॉट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फंड विच इज कलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, राज्यसभा सेज नो टू ज्वाइनिंग वर्चुअल मीटिंग ऑफ हाउस पैनल। ओके, तो अब हुआ क्या है कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने डिनाई कर दी है परमिशन फॉर मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स टू ज्वाइन अ मीटिंग ऑफ द पैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के जो लोग थे वो मीटिंग करना चाहते थे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने उसको डिनाई कर दिया है। तो ऐसे टाइम में जो आनंद शर्मा है, ही इज आस्किंग क्वेश्चन दैट कि ऐसा टाइम जहां प्राइम मिनिस्टर G7 के साथ, G20 के साथ, सार्क के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, तो राज्यसभा की वर्किंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं यहाँ पे जो होम अफेयर्स की मीटिंग है, पैनल की मीटिंग है, तो उसकी की जाने दिया जा रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ दे आर आस्किंग अगेन क्वेश्चन कि क्या अगर हम ट्रेवल करके राज्यसभा तक जाते हैं, वहां पे आते हैं, तो विल दैट बी सेफ, विल दैट सेट एग्जांपल कि ये सेफ रहेगा क्या, वहां पे क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के फॉलो किया जा सकते हैं, नहीं किया जा सकते। तो दैट इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड, बट राज्यसभा सेक्रेटेरिएट हैज डिनाइड द परमिशन फॉर मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स टू ज्वाइन द मीटिंग ऑफ द पैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। स्काईमेट सेज मॉनसून इज इन, IMD सेज वेट। ओके, तो हुआ क्या है, स्काईमेट के बारे में आप सबको बताया, इट्स अ प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी, याद रखिएगा वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है वेदर फोरकास्टिंग की स्काईमेट। उसने कहा कि भैया मानसून केरला में आ गया है, ठीक है ना। IMD जो कि आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका कहना है कि अभी टाइम सही नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई थी इस न्यूज़ आइटम में, वो थी कि 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि मॉनसून आया कि नहीं आया। 3 पैरामीटर्स आर देयर, IMD कहता है कि 3 पैरामीटर्स है जिनको चेक किया जाता है। फर्स्ट इज दैट इफ़ आफ्टर May 10, अगर May 10 के बाद 60% ऑफ द 14 वेदर स्टेशन, 60% ऑफ द 14 वेदर स्टेशन जो कि कौन कौन से, मिनिक्वाय, अमीनी, थिरुवनंतपुरम, पुनालूर, कोल्लम, अलापुजा एंड कोट्टायम, कोची, थ्रिसूर, कोझिकोड, थलासेरी, कन्नूर, कुडुलू एंड मंगलोर, तो इनमें से ये जो 14 हैं इनके 60% अगर वेदर स्टेशंस में आपके रेनफॉल रिपोर्ट होती है ऑफ 2.5 mm, अगर 2.5 mm की रिपोर्ट, रेनफॉल रिपोर्ट होती है फॉर मोर देन टू कंसेक्यूटिव डेज, तो जो केरला में है वो अगले दिन से, सेकेंड डे से वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मानसून डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर इन 14 में से 60% ऑफ द वेदर स्टेशन, अगर इन 14 में से 60% अगर वेदर स्टेशन में 2.5 mm की रिपोर्ट की जाएगी रेनफॉल फॉर 2 consecutive days, तो ऑनसेट ऑन केरला विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द सेकेंड डे। ओके, तो सेकेंड डे को तो दिन फिर आप केरला में ऑनसेट को बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 consecutive days तक अगर 2.5 mm की रेनफॉल हो रही है, जो दूसरा दिन होगा 2.5 mm वाला, उस दिन ये बोल दिया जाएगा कि केरला में ऑनसेट हो गया है। दूसरा जो पैरामीटर देखा जाता है, दैट इज द वेस्टर्लीज। ओके, दैट इज द डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज शुड बी मेंटेन्ड अप टू 600 hectopascals। ओके, तो जो डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज होनी चाहिए वो 600 hectopascals तक होनी चाहिए। दिस इज अनदर फैक्ट जो कि आपको जस्ट याद रख लेना है। वेस्टर्लीज के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, वो आप टेंशन मत लो, लेकिन आप इस फैक्ट को याद रखना कि जो डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज होनी चाहिए दैट शुड मेंटेन्ड अप टू 600 hectopascals। एंड तीसरा जो है कि जो OLR यानी कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, OLR का ये फुल फॉर्म होता है ना, यस, आउट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन। ओके, आउट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन जो आपका होना चाहिए, उसके बारे में फैक्ट ये है कि वो शुड बी बिलो 200 watt पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो आउट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होना चाहिए दैट शुड बी बिलो 200 watt पर स्क्वायर मीटर। आपका जो डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज होना चाहिए दैट शुड बी मेंटेन्ड अप टू 600 hectopascals। तीसरा जो था वो था कि जो आपका OLR होना चाहिए, आउट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन होनी चाहिए दैट शुड बी बिलो 200 watt पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ मैं, देखो आपको ये दिख रहा होगा अर्थ का पूरा।
और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो जो जीरो डिग्री होता है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है, लो प्रेशर होता है इक्वेटर पे, आप सबको पता है हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया लो इक्वेटोरियल रीजन हो गया। जो यहाँ पे बेल्ट होती है इसको डोल्ड्रम कहा जाता है, जो ये बेल्ट फॉर्म होती है यहाँ पे डोल्ड्रम कहते हैं, बिल्कुल हवा भी नहीं चलती, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा आपका इस तरह का वो होता है, डोल्ड्रम वाला रीजन आपका बनता है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है आपका इक्वेटोरियल लो इक्वेटोरियल है, आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का रीजन है, और 0 डिग्री से यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, यहाँ पे आप देखो यहाँ तक आपका लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर आता है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका सब पोलार लो, और उसके बाद आता है पोलार हाई, ठीक है ना। इस तरीके से डिवाइड होता है, जो अलग अलग प्रेशर की बेल्ट्स होती हैं उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, इक्वेटोरियल लो बोलते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल हाई आता है, फिर सब पोलार लो आता है, और फिर पोलार हाई आता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि ये जो रीज़न है मैंने बता दिया आपको, ये डोल्ड्रम वाला रीज़न है, ये सारी चीज़ें याद रखना अपने दिमाग में, है ना। अब होता है एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ देखो इस तरीके से होता है, हाई टू लो होगा ये सब, ये तो आपको पता है कि ये हाई है अगर, तो हाई से लो की तरफ ही आएगी, यहाँ पे भी नीचे भी हाई है तो हाई से लो की तरफ आएगी, और ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण इस तरह से यहाँ पे टर्न हो जाती है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण यहाँ से टर्न हो जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से ये जो विंड कहलाती हैं ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं, दे आर नोन एज द ट्रेड विंड्स, याद रखिएगा 0 से 30 डिग्री के बीच में जो ये विंड्स फ्लो कर रही हैं ट्रेड विंड्स कहलाती हैं, ठीक है ना। वहीं पर सब ट्रॉपिकल जो आपका हाई है और यहाँ पे सब पोलर लो, यहाँ पे जो विंड्स फ्लो करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, उनका टर्न इस तरीके से होगा, ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है। ये जो विंड्स होती हैं ये आपकी वेस्टर्लीज कहलाती है, दीज आर नोन एज द वेस्टर्ली। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ जो विंड्स बह रही हैं वो आपकी वेस्टर्लीज हैं, और वहीं पे आपका 30 डिग्री पे आपको हॉर्स लैटिट्यूड मिलता है, जो यहाँ पे ये आपको 0 डिग्री के आसपास आपको डोल्ड्रम मिल रहा था, वहाँ पे 30 डिग्री के आसपास आपको हॉर्स लैटिट्यूड मिलता है, ठीक है ना। बाकी के हम सेल्स तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हेडली सेल और फेरल सेल ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, बट आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे कि इस तरीके से होता है, देखो मूवमेंट होता है हाई टू लो विंड का, और कोरियोलिस के कारण वो इस तरह से शिफ्ट हो जाती है ना। तो ये चीज़ आप मुझे बताओ कि नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट टू राइट जाती है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जाती है। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स वो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप बताना मुझे कि बताओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट टू राइट मूव करती है कि राइट टू लेफ्ट मूव करती है, कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मूव करती है। ये समझ में आ गया ना कि वेस्टर्लीज जो है वो आपका सब ट्रॉपिकल हाई वाले से पोलार लो की तरफ मूव करती है, वो आपकी वेस्टर्लीज विंड कहलाती है, ठीक है ना। और आपका हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री के आसपास बनता है, और आपके यहाँ पर डोल्ड्रम्स बनते हैं जो कि इक्वेटोरियल रीजन के आसपास बनता है। तो दिस वाज द फैक्ट व्हिच वाज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट रैप्स टेलीग्राम ऑन जागरण ई पेपर रो। अब क्या हुआ, दैनिक जागरण ने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक वो किया, केस किया है, दैट व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि वहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि फ्री में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को का पीडीएफ जो है रोज प्रोवाइड करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री पीडीएफ ऑफ द दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एवरी डे, एंड इट इज कंटेंडेड दैट टेलीग्राम थ्रू द चैनल वॉज नॉट ओनली कॉजिंग सीरियस फाइनेंशियल लॉसेस टू द दैनिक जागरण ग्रुप। ये जो है ये दैनिक जागरण को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो वॉयलेटिंग इट्स ट्रेडमार्क राइट्स, जो इसके ट्रेडमार्क राइट्स हैं उनको भी वॉयलेट कर रहा है, एंड देन कॉपी राइट्स ऑफ द ई न्यूज़ पेपर आर ऑल्सो वॉयलेटेड। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट हो रही हैं, फर्स्ट इज़ द योर फाइनेंशियल लॉसेस, सेकेंड इज़ द वॉयलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क राइट्स, एंड थर्ड इज द कॉपी राइट्स ऑफ द ई न्यूज़ पेपर। ओके, दीज आर द लॉसेज विच आर देयर, ऐसा कहा जा रहा है ऑफ द दैनिक जागरण ग्रुप टू द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, मिनिस्ट्री हाईलाइट्स द वंदे भारत। अब वंदे भारत बेसिकली क्या है, वंदे भारत आप सबको पता है कि जो अभी रिसेंटली स्कीम चली थी, जिसके मिशन चला था, जिसके थ्रू जो स्ट्रैंडेड इंडियंस थे जो कहीं फंस गए हैं उनको COVID-19 के टाइम में घर लाना था। तो दिस वॉज अ मैमथ टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन वेयर मोर देन 4 लाख इंडियंस इंडियंस ऑन 230 बाय कमर्शियल फ्लाइट्स, ये इनको लाया गया, एंड नेबल शिप्स के थ्रू कमर्शियल फ्लाइट्स के थ्रू इनको लाया गया। ओके, एंड दिस वाज अ मैमथ टास्क, एंड वंदे भारत मिशन जो था इसी के लिए था। समुद्र सेतु भी आपको याद होगा, समुद्र सेतु मिशन भी यही था कि जो लोग फंस गए हैं, केरला के लोग फंस गए थे उनको लाना था, फिर उसको एक्सटेंड किया गया कि बाहर कहीं पे भी फंस गए हो तो उनको ले आया जाएगा। दीज वर द थिंग्स विच वर मेंशन देयर।
याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखिए ट्रंप कट्स टाइज विद WHO एस COVID-19 ग्रिप्स लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में बहुत सारा आपका केसेस बढ़ने लगा है। लैटिन अमेरिका कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आपका ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, आपके इधर साइड जो मैक्सिको हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है आपकी वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आती हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि WHO जो है उसने बहुत पुअर काम किया है, इट हैज़ परफॉर्म वेरी पुअरली एंड उसने बिल्कुल COVID-19 को कवर करने में रोकने में कोई स्टेप्स नहीं उठाए। इवन आफ्टर जब आपको पता था कि इटली में, USA में, चाइना में इतने केसेस आ रहे हैं तो भी आपने कोई स्टेप्स नहीं उठाए, लैटिन अमेरिका में जाने दिया उस चीज़ को। और अब जो कि देखो ब्राज़ील जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है, इतने ज़्यादा केसेस वहाँ पे बढ़ गए हैं। देयरफॉर डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट ही इज सेवरिंग टाइज विद द WHO ओवर इट्स मिसहैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक एज द डेथ टोल फ्रॉम द डिसीज स्पाइक्ड अगेन इन द US एंड ब्राज़ील। तो डेथ टोल जो था US ब्राज़ील में वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर गया, इस कारण से WHO के साथ पूरे टाइज जो है वो सेवर कर लिए हैं। जॉर्ज फ्लॉयड, ये जो केस है बेसिकली यहीं पे नेशनल गार्ड जो है उनको लाया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ अभी रिसेंटली हुई है ना, अभी हुआ क्या कि मैनी थिंग्स हैपेंड। क्या हुआ, वाइट फॉर्मर मिनियापोलिस जो पुलिस ऑफिसर है, ही वॉज शोन इन अ वीडियो फुटेज यूजिंग हिज नी टू पिन एन अनआर्म्ड ब्लैक मैंस नेक। ओके, ही वॉज शोन टू पिन एन अनआर्म्ड ब्लैक मैंस नेक टू द स्ट्रीट एंड उस कारण से ही द मैन हु वॉज पिन्ड डाउन, वो बार बार बोल रहा था कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीद एन ऑल, प्लीज़ लीव मी। लोग भी ये कह रहे थे कि उसको छोड़ दो, लेकिन द मैन ही वॉज नॉट लेफ्ट एंड इस कारण से जो वो 46 ईयर ओल्ड जॉर्ज फ्लॉयड था उसकी डेथ हो गई और उसका वीडियो फुटेज वहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए देखो प्रोटेस्ट हो रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल, तो अमेरिका में ये चीज़ बहुत चलती है। आई बेसिकली दैट वॉज द रीज़न जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पे ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, यही कारण है कि वहाँ पे नेशनल गार्ड्स को उतारा गया था अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, नेशनल गार्ड वॉज डिप्लॉयड टू हेल्प रिस्टोर ऑर्डर इन द मिनेसोटाज लार्जेस्ट सिटी। तो मिनेसोटा की जो सिटी वहाँ पे लाने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए नेशनल गार्ड्स को उतारा गया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया ब्राज़ील का केस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी फॉर कमेंट्स सून, DPIIT का कहना है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का कहना है कि ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी पब्लिक डोमेन में ताकि उसके बारे में पब्लिक के कमेंट्स और ये सारी चीज़ें देखी जा सके, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि DPIIT का कहना है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये पहले डिप यही था, DIPP था पहले, है ना। तो अभी इन्होंने क्या किया, कहा क्या कि कंट्री में कोई भी ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं है, कंट्री में कोई भी ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं है एंड द डिपार्टमेंट इज करेंटली वर्किंग ऑन दिस। ओके, देयरफॉर अब क्या किया जाएगा कि जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए थे कि हमारे पास क्लियर कट पॉलिसी नहीं कि हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा, हम क्या सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो दिस वॉज अनाउंस्ड बाई DPIIT दैट ई कॉमर्स पॉलिसी फर्स्ट शुड ले डाउन अ वेरी क्लियर पॉलिसी एंड वॉट इज डेटा। पहली चीज़ तो आपको बताना है कि डेटा क्या है ई कॉमर्स पॉलिसी में, देन वॉट काइंड ऑफ डेटा द ई कॉमर्स कंपनीज कैन यूज़, किस तरीके का डेटा ई कॉमर्स कंपनीज यूज़ कर सकती हैं, हाउ द सिटीजन्स राइट ऑफ प्राइवेसी कैन बी प्रोटेक्टेड, किस तरीके से ई कॉमर्स में सिटीजन राइट ऑफ प्राइवेसी कैन बी प्रोटेक्टेड, हाउ द ई कॉमर्स डेटा इज बींग लेवरेज फॉर अदर पर्पसेज, जो ई कॉमर्स का डेटा है उसको किस तरीके से दूसरे पर्पसेज में यूज़ किया जा रहा है, एंड वॉट आर द अदर बेनिफिशियल बेनिफिट्स दैट कैन एक्रू टू द ई कॉमर्स कॉमर्स डेटा होल्डर्स, हाउ सिटीजन्स लाइक यू एंड मी कैन हैव एक्सेस टू दोज बेनिफिट्स, किस तरह से सिटीजन्स को बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली देर आर लॉट ऑफ काउंटर फीड्स एंड इनफीरियर प्रोडक्ट्स एंड वायोलेशन ऑफ द वेरियस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, कई बार आपको देखा होगा कि बहुत सारे जो काउंटर फीड प्रोडक्ट्स हैं ये आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरीके से वायोलेशन है, सेफ्टी वायोलेशन ही हैं, तो उनको भी दूर किया जाएगा बेसिकली थ्रू दिस ई कॉमर्स पॉलिसी। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। प्लाइट ऑफ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अब क्या बोला जा रहा है कि जो पैंडेमिक आया COVID-19 का वहाँ पर डॉक्टोरल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च फेलो क्या करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर PhD, जब उनकी PhD हो जाती है तो वो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की तरफ चले आते हैं फॉर हायर स्टडीज एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च, है ना। तो हो क्या रहा है कि इसके बाद ही वो फैकल्टी या स्टाफ साइंटिस्ट पोजीशन के लिए बिल्कुल एकेडमिया में या इंडस्ट्री में आके उनको सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। ये जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है लगभग तीन चार साल तक का ये इसमें काम किया जाता है, तब उसको फैकल्टी में जॉब मिलती है। अब हो क्या रहा है, जो COVID-19 आया उस कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने के लिए मिला। फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव कम्प्लीटेड देयर डिग्रीज, जिन्होंने अपनी डिग्री कम्प्लीट कर ली थी, इवन इफ दे हैव पोस्ट डॉक्टोरल ऑफर्स दे आर स्टक। तो अगर उनके पास पोस्ट डॉक्टोरल ऑफर्स हैं भी तो वो बिल्कुल फंसे हुए हैं,
देन यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड हैव बीन क्लोज्ड एज वेल, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी क्लोज हैं तो वो भी इनको नहीं ले रहे हैं. दे हैव नो सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट लेबोरेटरीज, यहाँ की जो पेरेंट लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ से तो उनका काम हो गया था, उनको सपोर्ट नहीं करनी है. ओके, प्लस दे हैव नो एडिशनल मनी लेफ्ट एंड नो एडिशनल इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम. तो ये सारी जो है ये पोस्ट डॉक्टोरल इन लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना. अब ये जो इसके अलावा और क्या चैलेंज है, दोज हु आर फिनिशिंग दैट डिग्रीज, ये तो वो लोग थे जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली, तो इनका ऑफर जिनके स्ट्रक हैं ये सारी चीज़ें. अब दोज हु आर फिनिशिंग देयर डिग्रीज दे माइट स्टिल बी रिसीविंग देयर फेलोशिप ऑल्दो दे मे नॉट बी इन द इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू द ऑनगोइंग लॉकडाउन. उनको पैसा तो मिल रहा होगा लेकिन हो सकता है वो अपने इंस्टीट्यूशन मानना हो लॉकडाउन के कारण. देयर वर्क सफर्स, तो उनका काम सफर कर रहा है, बेसिकली अपने काम नहीं कर पा रहे. एंड दे वॉट दे नीड इज दैट इनको और ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, क्योंकि ये ऐसा काम तो नहीं है कि जो बिना काम किए बिना रिसर्च किए इस चीज़ हो जाए, फेलोशिप का काम हो जाए, तो इनको और टाइम लगेगा. दे विल नीड मोर टाइम. और इससे अब ज़्यादा वरीसम सिचुएशन उनकी है, एग्जिस्टिंग जो पोस्ट डॉक्टोरल्स हैं एंड दोज हु आर कॉट इन बिटवीन द पोस्ट डॉक्टोरल असाइनमेंट्स, मेनी हैव केम बैक फ्रॉम चाइना, जिनके असाइनमेंट्स थे दूसरी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना में किसी का असाइनमेंट चल रहा था बट ही हैज केम बैक बिकॉज ऑफ द COVID-19 फियर, तो वो लौट आया. अब वो वहाँ पे जा नहीं पा रहा है, दे डू नॉट हैव न्यू असाइनमेंट. ओके, अगर उनके पास है भी तो उनके कैसे प्रोसीड करें ये नहीं पता, तो उनको भी मोस्टली दे रिमेन अनपेड. तो यहाँ पे ऑथर ने क्या सजेशन किया है, दैट दे नीड एटलीस्ट 6 मंथ क्या करना चाहिए कि जो COVID-19 ने कम से कम 6 महीने ले लिए हैं फ्रॉम द प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए PhD स्टूडेंट, तो ये 6 महीने उनको एटलीस्ट आपको एक्सटेंड करना चाहिए, आपको ये 6 महीने एक्स्ट्रा उनको देने चाहिए फॉर ऑल द एलिजिबल स्कॉलर्स. 6 more months शुड बी गिवन टू ऑल द एलिजिबल स्कॉलर्स, है ना. एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर PhD विद इन द पास्ट ईयर एंड आर विदाउट जॉब, तो उनको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 month period जो जॉबलेस हैं, तो उनको 6 महीने तक आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपना दोबारा से काम शुरू कर सकें इस फील्ड में, ठीक है. दैट वॉज द इशू विच वॉज मैंशन एंड यहाँ पर ये सजेशन ऑथर द्वारा दिए गए थे. आगे मूव करते हैं, वाई इज द लोकस्ट सर्च पोजिंग अ थ्रेट टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो यहाँ से आपको सबको पता है कि डेजर्ट लोकस्ट का जो अटैक आया, टिड्डी दल का जो अटैक हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान रीजन, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है. इनफैक्ट इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आउटब्रेक आपको देखने को मिल रहा है. तो क्या ये पहली बार है? नहीं, बिल्कुल पहली बार नहीं है. ऐसा बड़ा इन्फेस्टेशन लास्ट में 2010 में हुआ था और लगभग 13 लोकस्ट प्लेग हुए हैं फ्रॉम 1964 टू 1997, और 1997 से 2010 तक 3 to 5 आउटब्रेक्स हुए हैं, और 2010 के बाद तो बिल्कुल रेयर है कि ऐसा कोई इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ हो. और ये जो है इस बार का थोड़ा बड़ा आउटब्रेक है, ऐसा लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में है. लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है आपका? जोधपुर में है, ठीक है ना, इसको याद रखना. नाउ हु कीप्स एन आई ऑन द लोकस्ट, कौन है जो कि आई रखता है लोकस्ट के ऊपर? लोकस्ट प्लेग इंडिया अंडर द ब्रिटिश राज एट द टाइम बिगैन रिसर्च इन टू द डेजर्ट लोकस्ट. उस समय उन्होंने रिसर्च शुरू की थी 1931 में डेजर्ट लोकस्ट के ऊपर. फिर 1939 में एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसके स्टेशन जो है वो कराची में भी रखे गए. जब अनडिवाइडेड था इंडिया 1939 में तो अनडिवाइडेड था, तो कराची में इसका स्टेशन रखा गया जो वार्निंग स्टेशन है. इसका जो मेन जॉब है टू कीप आउट एन आई फॉर ए स्पेसिफिक सब स्पीशीज ऑफ द इंडेक्स इंसेक्ट द डेजर्ट लोकस्ट. तो लोकस्ट की एक सब स्पीशीज है उसके ऊपर मेन नज़र रखी जाती है जिसको हम डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं, ठीक है ना. एंड ये जो इनका स्वाम्स आता है इसको देखो आज भी प्लेग इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेजर स्कूर्ज ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसा माना जाता है आज भी कि ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुआ है आज डेजर्ट लोकस्ट का जो वो था, और इस कारण से इसको आज भी प्लेग कहा जाता है, डेजर्ट लोकस्ट प्लेग कहा जाता है, ठीक है ना. क्या क्लाइमेट की क्या लिंक्स है? तो इसमें क्या क्लाइमेट का लिंक यही है कि जो आपका वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन है दैट मे बी अ ट्रिगर फॉर दिस डेजर्ट लोकस्ट. वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है ना, इसका एक इम्पैक्ट, इसका जो एक रीज़न है वो है पॉजिटिव डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? बेसिकली आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न जो इंडियन ओशन है उसका जो अल्टरनेट जो हीटिंग एंड कूलिंग है, अल्टरनेट हीटिंग, एक ज़्यादा गर्म हो जाता है पार्ट, दूसरा कम गर्म रह जाता है. तो ये जो अल्टरनेट हीटिंग कूलिंग वाला सिस्टम है उस कारण से एक डाइपोल बनता है, मतलब कि पॉजिटिव डाइपोल और निगेटिव डाइपोल दोनों बन सकता है. थोड़ा मैं ये आपको बता देता हूं,
होता क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल को इंडियन नीनो भी कहा जाता है, इंडियन नीनो भी कहा जाता है। इरेगुलर ऑसिलेशन होता है सी सरफेस टेम्परेचर का, सी सरफेस टेम्परेचर नहीं कि SST बोलते हैं इसको, सी सरफेस टेम्परेचर, जहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ओशन कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब वेस्टर्न इंडियन ओशन आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा ईस्टर्न इंडियन ओशन से, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डाइपोल, और जब वेस्टर्न इंडियन ओशन कम गर्म होगा तो उसको कहेंगे निगेटिव डाइपोल। याद रखिएगा, जब वेस्टर्न इंडियन ओशन ज़्यादा गर्म होता है ईस्टर्न वाले पार्ट से, तो उसको हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं, और जब वेस्टर्न इंडियन ओशन डाइपोल कम गर्म रहता है यानी कि ठंडा हो जाता है जब थोड़ा ईस्टर्न इंडियन ओशन डाइपोल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर रेनफॉल ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कि जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, जो पॉजिटिव फेज है इंडियन ओशन डाइपोल का, वहाँ पर हमको क्या मिलता है, ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है इस वाले रीजन में, ठीक है ना। एंड वहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाले रीजन में आपको ड्रॉट मिलता है, लेकिन अगर वहीं पे निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो आपको फिर हमारे एरिया में कम बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसको इंडियन नीनो भी कहा जाता है, ठीक है ना। सो अगर हम देखें कि इनका नुकसान क्या है, तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो इस कारण से ये नुकसान पहुँचाते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर में 20 से 30 मिलियन तक डेजर्ट लोकस्ट ट्रेवल कर सकते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो आप देख सकते हो आपकी इनकी इंटेंसिटी कितनी है। इसको कैसे डील किया जाता है, बेसिकली तो पेस्ट कंट्रोल के थ्रू। इसका नाम आपको याद रखना है, मेलाथियन याद रखना, मेलाथियन टेक्निकल करके है, मेलाथियन टेक्निकल जो HIL इंडिया लिमिटेड बनाता है, HIL इंडिया लिमिटेड। मेलाथियन वैसे तो एक प्रोहिबिटेड ड्रग है, प्रोहिबिटेड इंसेक्टिसाइड है, लेकिन इसका यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू स्टॉप द डेजर्ट लोकस, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्या सारे एडिक्वेट एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि ना ही वो स्प्रेइंग कर रहे हैं प्रॉपर आपके पेस्टिसाइड्स का, ना ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि इसकी जो पॉपुलेशन हो डेजर्ट लोकस की रोकी जा सके। दूसरा रीजन है कि फंड्स प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट फंडिंग है, जिसके कारण की मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही है, एंड इस कारण से भी आपको डेजर्ट लोकस को रोकने में प्रॉब्लम होती है। तो पहला तो आपने देखा कि पाकिस्तान वाले प्रॉपर एक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा लैक ऑफ फंड और लैक ऑफ मॉनिटरिंग। ओके, एंड इस कारण से अब हुआ है कि नेशनल लॉकडाउन के कारण जो अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स थी वो भी नहीं पूरी हो पा रही थी, तो प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं थी पेस्टिसाइड्स की, इस कारण से प्रॉपर लेबर भी नहीं थे, जिस कारण से जो लॉकडाउन का टाइम था ये स्प्रेइंग ऑपरेशंस नहीं हो पाए, और लोकस्ट का जो सर्च था वो और ज़्यादा देखने को मिला। सो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द डे। आगे अगर कोई न्यूज़ आइटम है, द सॉरो ऑफ फॉलन ट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में बताया जा रहा है। तो बोटैनिकल गार्डन्स जो है वो आपके, दे आर नेम्ड आफ्टर द जगदीश चंद्र बोस, ये कलकत्ता में अवेलेबल है बोटैनिकल गार्डन, नेम्ड आफ्टर जगदीश चंद्र बोस, एंड ये बेसिकली लाई करता है इन द हावरा रिवर रीजन। ओके, दिस गार्डन डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ द ब्रिटिश वर्स्टल ट्रेडर्स इन इंडिया, 1787 के टाइम का है, और उस समय जब ये बना था तो प्लासी को 30 साल हो गए थे, प्लासी के बैटल को 30 साल हो गए थे, और रॉबर्ट किड द्वारा ये बोटैनिकल गार्डन बनाया गया था, रॉबर्ट किड द्वारा बनाया गया था। ही वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द ब्रिटिश आर्मी, एंड ही वॉज हैविंग अ पर्सनल इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर, बोटैनिकल गार्डन उन्हीं के द्वारा बनाया गया 1787 में, रॉबर्ट किड का नाम याद रखना, दिस वॉज देयर। अब हुआ क्या है, रोहित शर्मा का नाम जो है खेल रत्न के लिए भेजा गया है, फॉर खेल रत्न रोहित शर्मा हैज़ बीन सजेस्टेड, हिज नेम हैज़ बीन गिवन फॉर खेल रत्न। अगर उनको ये खेल रत्न दिया जाता है तो ही विल बिकम द फोर्थ क्रिकेटर आफ्टर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली टू विन दिस अवार्ड। ओके, तो खेल रत्न मिलने वाला चौथा प्लेयर बन जाएंगे रोहित शर्मा अगर उनको मिल जाता है तो। सचिन तेंदुलकर को मिला है, महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, और विराट कोहली को दिया गया है ये अवार्ड। तो आफ्टर दिस ही विल बिकम द फोर्थ इंडियन क्रिकेटर टू गेट दिस। ओके, तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप लाइक दैट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।